हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चलेंगे मोनाल, और मोनाल मशहूर है अपने बहुत ही टेस्टी खानों के लिए और साथ ही बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सीनरी के लिए। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इनके फूड की कंप्लीट डिटेल्स, इनके रेट्स और इनका मेन्यू। मैं हर वीक आप लोगों के लिए इसी तरह के ज़बरदस्त से फूड रिव्यूज़ लेकर के आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस ऑन पर रखिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको इसी तरह टाइमली मिलती रहें। मोनाल एक ऐसी जगह है कि अगर आप इस्लामाबाद या पिंडी विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं और मोनाल ना जाएं तो लगता है कि ट्रिप कुछ अधूरा सा है। तो यहाँ की कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके मेन्यू से। मेन्यू की डिटेल में जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेफ्टी की। वैसे तो रोड्स बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन एक स्पीड लिमिट है यहाँ पर जिसे आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। चूँकि मोनाल बहुत हाइट पर वाक़ है, इसलिए इसके रोड्स जो हैं कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि ओवर स्पीडिंग यहाँ पर नुकसानदेह हो सकती है। यहाँ पर टर्न्स भी जो है वो काफ़ी शार्प है, लेकिन अगर आप एहतियात से ड्राइव करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को यहाँ पर होता है संडे ब्रंच, और हम उसी के लिए आए हैं। इसमें आपको बफे मिल जाता है, जबकि बाकी दिनों में जब आप विज़िट करते हैं तो आप अलाकार्ट पे जाते हैं, यानी आपको मेन्यू दिया जाता है और आप मेन्यू पर अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गाड़ी दे दी है वैले पार्किंग के लिए, और अब हम मोनाल के अंदर जा रहे हैं। हमने इसे प्री रिज़र्व करवाया था क्योंकि मौसम कुछ गर्म है, और हमने अंदर बैठने को प्रेफर किया क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ही अच्छा मेंटेन था। मौसम गर्म है, इसलिए इस तरह के मौसम में अगर आप बाहर बैठेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अंदर बैठने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्री रिज़र्व करवाएँ। तो फ्रेंड्स, ज़रा खाने के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट जो है रेट डिटेल्स दूंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इनके सैलड बार से। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिमिटेड सैलड बार देखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इनका मेन्यू जो है वो बहुत ही हैवी है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सैलड्स इन्होंने नहीं ऐड किए हुए। तो यहाँ शुरू करते हैं सीख कबाब के साथ, और फिर चिकन बोटी है, दोनों ही बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट इनका टेक्सचर था। और अब ये सामने आपको नज़र आ रहा है पाया, ये मुझे थोड़ा एवरेज लगा। यहाँ पर बीफ नेहारी है, हलीम है, इन तीनों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और आगे हैं जी चने, ये भी बहुत ही मज़े के बने हुए थे, सही हलवा पूरी वाले चने थे। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं सब्ज़ी थी आलू की, ये भी काफ़ी अच्छी अचारी बनी हुई थी। इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे ये लोग कुछ सर्व कर रहे थे, जिसमें कुछ ऑमलेट, सैंडविचेस एंड सॉसेजेस थे। ऑमलेट जो है वो बहुत ही कमाल का बना था। इसके अलावा कचौरी थी, ब्राउन राइस भी थे, इसके अलावा चाइनीज़ राइस और मंचूरियन भी था। मंचूरियन थोड़ा ज़्यादा स्वीट था, लेकिन चाइनीज़ राइस जो है वो बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पर देख सकते हैं तवा चिकन कीमा था, इसके अलावा चिकन कढ़ाई थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका भी। अब देख लेते हैं इनका डिज़र्ट पार्ट। चूँकि ये ब्रंच है तो यहाँ पर इन्होंने हलवा सर्व किया था, इसके अलावा पूरियाँ जो हैं वो फ्रेश बन रही थी, और इसके अलावा मीठी सेवैयाँ थी। यहाँ पर कुछ सीरियल्स थे, अगर आप सीरियल्स लेना चाहें तो वो भी आपको अवेलेबल थे। डिज़र्ट पार्ट के अंदर इन्होंने कुछ कैन फ्रूट रखा हुआ था, आई गेस शायद आप अपना सीरियल का कॉम्बिनेशन बनाएं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ केक्स एंड पेस्ट्रीज मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर फिरनी थी, कस्टर्ड था, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सी वैरायटी थी। कुछ यहाँ पर टोस्ट भी थे, खोया टोस्ट कुछ काइंड ऑफ नाम था उसका, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर था उसका भी, और कुछ कुकीज़ भी थी। जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा मेन्यू था, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी हैवी मेन्यू था। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स में जो है लस्सी इन्होंने सर्व की थी, और इसके अलावा जो है वो चाय थी। अगर आपको मिनरल वाटर लेना है या आप कोई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो फिर अलग से चार्ज होती है।
रेट डिटेल्स शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इनकी सर्विस जो है वो बहुत ही आउट क्लास थी। हमें मोस्टली चीज़ें इन्होंने जो है टेबल पर ही फ्रेश सर्व की थी, यानी नान और बारबेक्यू वगैरह ये फ्रेश सर्व करे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि साथ साथ टेबल क्लियर कर रहे थे और आप बहुत ही कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ करके खाना खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं आप लोगों को इनकी रेट डिटेल्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इनका रेट अगर आप मेन्यू पर इंटरनेट पर भी देखें तो आपको 1860 नज़र आता है, जो कि इनका रेट विदाउट टैक्स है। और अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 5% आपको टैक्स चार्ज होगा, जिसके बाद अमाउंट जो है वो 1960 रुपीज़ हो जाएगी। कैश पेमेंट करने पर यही रेट आपको जो है वो 2140 यानी 2140 रुपीज़ जो है वो चार्ज होगा। 6 ईयर्स से ऊपर अगर बात की जाए तो ये फुल चार्ज करते हैं, और 6 ईयर्स के नीचे जो है वो ये हाफ चार्ज करते हैं। और अगर हम बात करें 1 या 2 साल के बच्चों की तो ये फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको रेट चार्ज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी के अलावा किसी और सिटी से है और आप इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं विज़िट के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जुलाई और अगस्त इस तरह के मंथ्स जो हैं इनको अवॉइड करिए, क्योंकि मोनाल एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बाहर बैठकर खाना खाना चाहिए तो ही आपको मज़ा आता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है मौसम का अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने तो यहाँ पर खाने को काफ़ी इंजॉय किया और मैंने कोशिश की है कि सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि ये वीडियोस कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो फिर एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको इस तरह के और रिव्यूज़ देखने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी खास जगह का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल गार्डन अप विद नियोमी पर भी आपको कुछ रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का रिव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ।